ये है सोशल मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं ऐसी न्यूज, सत्य सटीक विश्वसनीय। नमस्कार, आईसीएन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ ललित मोकाती आपके साथ। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा प्रदेश स्तर पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भोपाल नर्मदापुरम संभाग स्तरीय कार्यक्रम में इच्छावर क्षेत्र के युवा शिक्षक एवं कुशल वक्ता यशस्वी राव ने आज़ादी के अमृत महोत्सव विषय पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, प्रदेश महामंत्री हितानंद शर्मा, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विभव पवार उपस्थित रहे। साथ ही साथ 100 प्रतिभागियों में यशस्वी राव ने प्रदेश लेवल पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। क्षेत्रीय विधायक करण सिंह वर्मा सहित भाजपा पदाधिकारी व नगर के गणमान्य नागरिकों ने यशस्वी राव को शुभकामनाएं दी। वहीं दूसरी खबर यह है कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा इच्छावर नगर में ग्रीष्मकालीन खेल शिविर का शुभारम्भ किया गया। गुरुवार को शिविर के शुभारम्भ अवसर पर वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ी डी के पवार ने प्रशिक्षण में भाग ले रहे खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। ब्लॉक युवा खेल समन्वयक आशा मोथला ने बताया कि 25 मई से 20 जून तक गंजीबड़ खेल मैदान पर फुटबॉल व अन्य खेलों का प्रशिक्षण का शुभारंभ किया जा रहा है। इसमें नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों के 100 बालक बालिकाएं भाग लेंगे। प्रशिक्षकों द्वारा नवोदित खिलाड़ियों को खेल की विभिन्न बारीकियों से अवगत कराया जाएगा। शिविर के शुभारंभ अवसर पर जिला खेल अधिकारी राजेश मालवीय, फुटबॉल कोच आशुतोष जोशी विशेष रूप से उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, आईसीएन मीडिया। तहसील क्षेत्र के उद्यमान खिलाड़ियों को संवारने के लिए, निखारने के लिए खेल कल्याण विभाग द्वारा ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है गंजीबड़ खेल मैदान पर। आइए हम जानते हैं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर आशा मोथला जी से कि ये प्रशिक्षण जो है इसमें कौन कौन से खेल शामिल किए गए हैं, वहीं ये कब तक चलेगा। आशा जी, ये जो प्रशिक्षण ये है कब से शुरू हो रहा है और ये ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर हमारा 20 मई से 20 जून तक चलने वाला है और इसमें दो खेलों के शामिल किया गया है, एक तो फुटबॉल है और अपना एक मार्शल आर्ट में बॉक्सिंग, और हॉकी का भी अपन शुरू करा है। आज से अपन ने शुरू किया है हॉकी का भी, तो हॉकी के बच्चे सुबह मॉर्निंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं हॉकी के, और शाम को फुटबॉल और बॉक्सिंग का अपना चल रहा है। तहसील स्तर पे, जिला स्तर पे 4 खेल चल रहे हैं, तहसील स्तर पे 2 खेल लगाए हैं, ऊपर से डायरेक्टरेट से ही आदेश है, और काफ़ी बच्चे यहाँ पे फुटबॉल का प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो इस प्रशिक्षण के अंदर कोच की कोई व्यवस्था की जा रही है? हाँ, कोच को कुछ मानदेय दिया जाएगा और किट प्रदान किया जाएगा उनको कोच। सत्य सटीक एवं विश्वसनीय खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। यदि आप YouTube पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं Instagram पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यह है सत्य सटीक विश्वसनीय।